साथियों, जय श्री राम और नमस्कार। इस बार करवा चौथ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि करवा चौथ किस दिन और किस समय और उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। आप लोग इस मुहूर्त पे अगर इस करवा चौथ को करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय होगा और आप में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार को रखा जाएगा। करवा चौथ सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रोदय के बाद पूजा कर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। भारत में यह व्रत बहुत प्रचलित है और पूरे विश्व में भी इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत रखती हैं। इस दिन कन्याएं भी अच्छे वर के लिए व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रोदय के बाद पूजन कर अपना व्रत पूजन करती हैं। उत्तर भारत में करवा चौथ सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। हर साल इस व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार करवा चौथ की तिथि को लेकर कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोग दुविधा में हैं। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 14 अक्टूबर को पंडित इसे शुभ तिथि मान रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर गुरुवार को रात 1:59 पर शुरू होगा और 14 अक्टूबर को रात 3:08 पर समाप्त होगा। चूँकि उत्तराधि तिथि 13 अक्टूबर में ही पड़ रही है, इसलिए करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ का मुहूर्त शाम 6:17 से शाम 7:31 तक है। अवधि 1:13 है। करवा चौथ व्रत सुबह 6:32 से रात्रि 8:48 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 8:48 PM चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। 13 अक्टूबर को 1:59 से शुरू होगी चतुर्थी तिथि समाप्त 14 अक्टूबर को सुबह 3:00 रहेगी। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए।